क्या आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में एक ऐसा मसीही संत भी था जिसने प्रार्थना की और 2000 साल का मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो गया। इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी उसने जिंदा करके दिखाया, जिसे मारने के लिए सम्राटों ने दर्जनों तरकीबें लगाई लेकिन हर बार वे मौत से जीत जाता, जो जहर पीकर भी नहीं मरा, जिसे चक्के के साथ बांधा गया ताकि चलते चक्के से उसके बदन को काटा जाए लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ, जिसे चूने के पानी में 3 दिन तक भिगोया गया लेकिन वे नहीं मरा, जिसे नुकीले कीलों वाले जूते पहनाकर शहर में दौड़ाया गया। हम बात कर रहे हैं इतिहास में दर्ज एक ऐसे मसीही संत की जिनका जीवन मसीह के लिए इस कदर समर्पित था कि यीशु मसीह स्वयं उसकी परीक्षाओं में उसके साथ रहे, जिसे ना जाने कितनी ही बार मौत की सजा सुनाई गई लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। द हीरोज ऑफ फेथ सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं संत जॉर्ज की। कौन है ये संत जॉर्ज, आइए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं। आपसे विनती है कि वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने विषय की ओर। संत जॉर्ज का जन्म 3री शताब्दी को आधुनिक तुर्की में हुआ। इनके माता पिता ईसाई थे। इनका पालन पोषण परमेश्वर के वचनानुसार ही हुआ। इनके पिता को भी यीशु मसीह पर विश्वास करने की खातिर शहीद कर दिया गया था। पिता की मृत्यु के बाद इनकी माता इन्हें फिलिस्तीन देश ले गई और ये वहीं पर पले बढ़े। कम उम्र में ही जॉर्ज ने सम्राट डायक्लेटियन के अधीन सेना में भर्ती होने का निर्णय किया और वे सेना में भर्ती हो गए और समय अनुसार वे तरक्की पाते गए। अभी तक सम्राट डायक्लेटियन के राज्य में मसीह लोग सुरक्षित थे। जब सम्राट डायक्लेटियन ने बाहरी ताकतों से अपने साम्राज्य को सुरक्षित कर लिया, तब इसके बाद डायक्लेटियन ने अपने साम्राज्य के आंतरिक मामलों में भी ध्यान दिया और डायक्लेटियन ने अपने प्रयासों को ईसाइयों के दमन की ओर केंद्रित किया कि कैसे इन ईसाइयों को सताया जाए। वर्ष 303 में डायक्लेटियन ने एक बैठक बुलाई जिसमें उसकी सेना के खास खास सभी लोग थे, संत जॉर्ज भी, और उस बैठक में सम्राट ने ईसाइयों पर अत्याचार करने के निर्देश दिए। जब सम्राट ने ये आदेश दिया, संत जॉर्ज उस समय वहीं मौजूद थे। सम्राट ये जानता था कि संत जॉर्ज एक ईसाई हैं। सम्राट ने संत जॉर्ज को उनकी वफादारी के प्रमाण के तौर पर बुत प्रस्त बलिदान देने को कहा ताकि मसीहियों पर उत्पीड़न के जो आदेश सम्राट ने दिए थे, जॉर्ज उसका सही से पालन कर सके और मसीहियों पर अत्याचार कर सके। संत जॉर्ज सम्राट डायक्लेटियन के सामने खड़े हुए और यीशु मसीह पर अपने विश्वास को स्वीकार करते हुए उन्होंने सम्राट को क्रूस की कथा सुनाई और मसीह के ईश्वरत्व के बारे में बताया। सम्राट ये सब सुनकर क्रोध से भर गया और उसने ये आदेश दिया कि संत जॉर्ज को अभी जेल में डाल दिया जाए और यातना के तौर पर उसके सीने पर, उसकी छाती पर एक बड़ा पत्थर अर्थात एक शिला रख दी जाए। और सम्राट के हुक्म की तामील हुई और संत जॉर्ज के साथ सिपाहियों ने ऐसा ही किया, लेकिन संत जॉर्ज पर इस शिला का, इस बड़े पत्थर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगली सुबह सम्राट ने फिर से संत जॉर्ज को दरबार में पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन संत जॉर्ज विश्वास में अड़े रहे और उन्होंने स्वर्गीय धन के विषय में सम्राट को बताया। सम्राट फिर से क्रोधित हुए और उन्होंने जल्लादों को बुलाया और उन्हें धारदार हथियारों के साथ एक चक्के अर्थात एक पहिए पर बांध दिया गया ताकि पहिया घूमे और संत जॉर्ज के शरीर को चीरता हुआ जाए। संत जॉर्ज जब पहिए पर पड़े थे तब उन्हें यीशु मसीह की आवाज सुनाई दी कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। इस धारदार पहिए का
संत जॉर्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर वहां मौजूद रोमन सेना के दो बड़े अधिकारी और लगभग 2000 सैनिकों ने इस आश्चर्य कर्म को देखकर अपने जीवन को मसीह को समर्पित कर दिया। जब सम्राट को यह पता चला कि उसके राज्य में इतने सारे लोग मसीह पर ईमान ला चुके हैं, तो उसने उन तमाम लोगों को मरवा डाला। फिर सम्राट ने आदेश दिया कि एक गड्ढा खोदा जाए और उसे चूने के पानी से भर दिया जाए। फिर संत जॉर्ज को चूने में भिगोकर उस गड्ढे में फेंक दिया गया, क्योंकि सम्राट ये समझता था कि चूना धीरे धीरे संत जॉर्ज के शरीर को गलाकर नष्ट कर देगा। लेकिन हुआ कुछ नहीं। संत जॉर्ज के शरीर पर इस चूने के पानी का रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। सम्राट को जब यह सूचना मिली कि सेंट जॉर्ज वैसे के वैसे ही हैं, तब उन्होंने माना कि ये अवश्य ही कोई जादूगर है। लेकिन संत जॉर्ज ने सम्राट से कहा कि ये कोई जादू नहीं, बल्कि मेरे परमेश्वर मसीह की सामर्थ है। फिर सम्राट ने आदेश दिया कि संत जॉर्ज को लंबे लंबे कीलों वाली जूती पहनाकर या सैंडल पहनाकर पूरे शहर में दौड़ाया जाए, और जब वे चलें तो उसे पीटा जाए, ताकि तमाम दुनिया उसके हश्र को देखकर डरे और मसीह का ख्वाब भी ना ले। और संत जॉर्ज के साथ ऐसा ही किया गया, लेकिन मृत्यु ने छू भी नहीं पाई। इसके बाद देखने वालों ने ये आश्चर्य किया और मसीह की प्रशंसा की, जो संत जॉर्ज को परीक्षा में स्थिर खड़े रहने का सामर्थ देता है। उसके बाद सम्राट डायक्लेटियन के एक निजी सलाहकार, जिसका नाम मैग्नेटियस था, उसने संत जॉर्ज को एक चमत्कार करने को कहा। वे एक ऐसे व्यक्ति की कब्र के पास से गुजर रहे थे जो कई वर्षों से मरा हुआ था, उसे पुनर्जीवित करने को कहा। संत जॉर्ज ने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की तो मृत व्यक्ति पुनर्जीवित हो गया। ये देखकर कि संत जॉर्ज ने मुर्दा व्यक्ति को जीवित कर दिया है, सभी लोग मसीह की प्रशंसा करने लगे। जब सम्राट डायक्लेटियन ने ये सब देखा, तो सम्राट ने जिंदा हुए व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हारी मृत्यु कब हुई और कैसे हुई। उसने सम्राट को बताया कि यीशु मसीह के पृथ्वी पर आने से पहले, अर्थात यीशु मसीह के जन्म से भी पहले, मैं मर गया था, और तब से लेकर आज तक मैं नरक की आग में जल रहा था। लेकिन आज परमेश्वर के सच्चे दास की प्रार्थना के बाद मुझे फिर से जीवन मिला। ये सुनकर सम्राट दंग रह गया और आसपास खड़े सभी लोगों ने विश्वास किया। उसी भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था जिसका नाम था ग्लेसरियोस। वे एक किसान था जिसने मुर्दा इंसान को जीवित होते अपनी आंखों से देखा था। वे भी मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि इससे पहले कि वो एक मुर्दा व्यक्ति को जिंदा होते देखे, इस किसान ने इस चमत्कार से पहले भी संत जॉर्ज का एक चमत्कार देखा था, जब संत जॉर्ज ने उस किसान के बैलों को जीवित कर दिया था। और उसने भीड़ में सम्राट के सामने परमेश्वर की तारीफ की और बैलों की घटना को भी बताया कि किस प्रकार संत जॉर्ज ने उन्हें जीवित किया। ये देखकर सम्राट क्रोधित हुआ और उस किसान को भी मौत का फरमान सुना दिया, जिससे शहादत का ताज उस किसान को मिल गया। इतने चमत्कार देखने के बाद भी सम्राट अंदर ही अंदर ये मानता था कि संत जॉर्ज किसी जादू टोने की सहायता से ऐसे चमत्कार करता है। इसलिए उसने उस समय के मशहूर जादूगर अथानियस को बुलाया। अथानियस ने अपने हाथों में दो शीशियां पकड़ रखी थी। यदि संत जॉर्ज ने पहली शीशी पी तो वे पागल हो जाएगा और दूसरी शीशी पीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। संत जॉर्ज ने प्रार्थना की और वो शीशी पी ली जो जादूगर ने उन्हें दी थी, लेकिन संत जॉर्ज को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर
जादूगर हैरान रह गया और उसने परमेश्वर की सामर्थ की तारीफ करते हुए अपना मन एवं जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। जब राजा को यह पता चला कि वे जादूगर भी मसीह का मुरीद बन चुका है, तो सम्राट ने जादूगर को भी मौत के घाट उतार दिया। इतने चमत्कार देखने के बाद सम्राट की पत्नी अलेक्जेंड्रा ने भी मसीह पर विश्वास किया और अपने पति सम्राट डायक्लेटियन के सामने मसीह को कबूल किया। राजा ये देखकर अत्यंत क्रोधित हुआ और अपनी पत्नी अलेक्जेंड्रा को कैद करवा दिया। एक बार फिर संत जॉर्ज डायक्लेटियन के सामने उपस्थित किए गए। सम्राट ने आदेश दिया कि सेंट जॉर्ज उनके साथ मंदिर जाएं और देवताओं को प्रार्थना करें और बलि चढ़ाएं। जब वे मंदिर पहुंचे तो सेंट जॉर्ज ने प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना से मंदिर में खड़ी सभी मूर्तियां नष्ट होना शुरू हो गई और नष्ट हो गई। मंदिर के पुजारी, वहां खड़े जितने भी लोग थे, वे ये देख रहे थे। लोगों को गुस्सा आया और उन्होंने मांग की कि संत जॉर्ज को मार डाला जाए। संत जॉर्ज को शहर से बाहर ले जाया गया और जैसे ही उन्होंने जल्लाद की ओर अपना सर घुमाया, जल्लाद ने उनका सर काट दिया, अर्थात संत जॉर्ज का सर कलम कर दिया गया। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार एक सम्राट और एक परमेश्वर का दास, इनका कई बार आमना सामना हुआ। सम्राट ने अपनी पूरी ताकत से सेंट जॉर्ज को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन सेंट जॉर्ज अपने विश्वास में स्थिर रहे और समय समय पर परमेश्वर ने उस सम्राट को यह दिखाया कि मैं इसके साथ हूं। और यदि आज सेंट जॉर्ज मर भी जाए तो भी ये मेरे साथ होगा। तो साथियों, जिस प्रकार परमेश्वर संत जॉर्ज के साथ थे, वे हमारे साथ भी हैं। परमेश्वर आज, कल और आने वाले कल में सदा एक जैसा है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। जरूरत है हमें अपने आप को बदलने की। तो साथियों, हमें भी सेंट जॉर्ज की तरह अपने विश्वास की रखवाली करनी है। अपने विश्वास पे, जो कि मसीह यीशु पे है, हमें स्थिर रहना है और प्राण देने तक विश्वासी बने रहना है, वफादार बने रहना है। इस वीडियो के माध्यम से हम यही सीखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और यदि अच्छा लगे तो अपने तमाम मसीही भाई बहनों में से शेयर भी करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।